नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी का स्वागत है। दोस्तों, एक ट्रेंड देखा जाता है कि स्टूडेंट जो हैं, जब कोई एग्जाम को टारगेट करते हैं तो साल भर पढ़ाई करते हैं, लगभग रोज पढ़ते हैं, जो भी पढ़ना चाहिए, जिस तरह पढ़ना चाहिए पढ़ते रहते हैं। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले जो व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा होता है, लगातार शेड्यूल में होता है, क्लासेस अटेंड कर रहा होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है, एग्जाम से कुछ समय पहले अचानक से उसके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, बहुत नेगेटिव हो जाता है, उसका मन उचटना लगता है। ठीक है, शुरू में वो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगता है और खासकर जब एक महीना या दो महीने रह जाते हैं, उसको लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी तैयारी कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, समय निकल गया, मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाया मैं। और ये जो मन उचटता है, ये जो मन उचटने का प्रोसेस, वैसे तो सभी लोगों के मन थोड़ा सा उचट जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आदमी थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, होता रहता है। लेकिन कभी कभी ये जो चीज़ है ना, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हो जाता है, वहाँ पर चीज़ें नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि थोड़ा बहुत हो तो समझ में आता है कि चलो ठीक है भाई, कुछ दिन मन उचट गया, बाद में व्यक्ति ने उसे कंट्रोल कर लिया और ठीक हो गया। लेकिन कुछ मैटर में, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि व्यक्ति ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाता है और वो आखिरी टाइम पर, खासकर जब एक महीना या डेढ़ महीना जाता है, वो पढ़ाई करना कम कर देता है और बिल्कुल नेगेटिव होता है, वो सोचता है कि यार मैं अगले साल पढ़ाई करूंगा, अब मैं अगली बार ठीक से पढ़ के आऊंगा तब दूंगा मैं इस तरह। अब क्या ये चीज़ आपके साथ घटना घट रही है? अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हो, आप भी ऐसा फील कर रहे हो कि जितना पढ़ पा रहे थे उतना नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर हाँ तो मैं आज अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा कि ऐसा मुझे क्यों लगता है कि ऐसा क्यों होता है। और ये बहुत ही एक टेक्निकल मैटर रहेगा जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाओगे इस चीज़ों को लेकर। तो थोड़ा देखते हैं, एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, मान लेते ना, ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट ये है, और माउंट एवरेस्ट में इसकी जो ऊंचाई है लगभग 29,000 है, 29,000 फीट है माउंट एवरेस्ट की पूरी जो हाइट है, बेस से या बॉटम से 29,000 है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा पता होगा, आप एक चीज जानते होगे कि माउंट एवरेस्ट के पास में यहां पर एक बेस कैंप है, बेस कैंप, ठीक है, जो कि लगभग आपका 26,000 फीट के आसपास है, मतलब बेस कैंप जो है वो 26,000 फीट के आसपास है, वो टोटल हाइट जो है 29,000 और बेस कैंप तक की जो हाइट है वो 26,000, बेस कैंप तक की हाइट जो है वो 26,000। ठीक है, कहा जाता है कि जीरो से स्टार्ट करेंगे अगर, तो यहां तक की जो चढ़ाई है वो ठीक ठाक सी चढ़ाई है, ज्यादा तकलीफ नहीं देती है, मतलब जीरो से 26,000 तक की चढ़ाई जो है वो ठीक ठाक सी चढ़ाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत इजी होता है, लेकिन हाँ ठीक ठाक सी चढ़ाई होती है, अभी चेक कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप, अगर आप पास में आओगे, 26,000 से लेकर जो 29,000 जो चढ़ाई है सबसे मुश्किल मानी जाती है, व्यक्ति इसको चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, कुछ लोग तो कभी वो बेस कैंप से चढ़ाई तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, सिर्फ बेस कैंप से वापस आ जाते हैं, मौसम खराब हो जाता है, हेल्थ खराब हो जाती है। ठीक है, जो टेरेन है, जो कि वहां पर ज्योग्राफी वहां की, वो खराब होना शुरू हो जाती है, और कहते हैं कि बहुत सारी कैजुअलिटी, यानी कि बहुत सारे लोग तो मर भी जाते हैं वहां पर। सबसे ज्यादा यही जो जगह है, यहां पर सबसे ज्यादा चीजें घटना घटती हैं, यानी कि जीरो से लेकर 26,000 तक कोई दिक्कत नहीं है, 26 से 29,000 तक की चढ़ाई है, सारे कर्म उसी में हो जाते हैं, सब कुछ वही हो जाता है। अब यहां पर मैं आपको ये समझाने का मतलब क्या है, देखिए कि जब भी आप पढ़ाई करोगे ना, जीरो से लेकर लगभग, जो मेरा एक कैलकुलेशन है, 80% का समझ लीजिए, 80% तक का चीजें जो हैं वो एक स्मूथ डायरेक्शन में चलती हैं। आप कोई भी काम करो, ठीक है, आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करने से लेकर 80% तक, यानी सफल होने में अगर 100% लगते हैं तो 80% तक की चीजें स्मूथ चलती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि अगर जीरो कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने चलना शुरू किया, ये यहां से 80% तक की जो चीजें हैं वो स्मूथ चलेंगी, 80% तक स्मूथ चलेंगी, एक ही इसको यहां तक पहुंचने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए, जो फोकस चाहिए वो चलेगा। लेकिन 80% के बाद चीजें थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं और इस तरह होता है,
80% के टाइम पर एक छोटा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम यहां पे आती है, यहां पर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई काम आप शुरू करने गए वो 0 से 100 तक आप एक ही एनर्जी के साथ आप कवर कर ले जाओगे। कोई भी काम, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं, हर चीज, आप स्पोर्ट्स की बात कर लो, म्यूजिक की बात कर लो, कोई भी काम कर लो, 0 से 100 तक आप एक ही रिदम में नहीं आ पाओगे, 0 से 80 तक आप एक रिदम में पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन कई बार आप देखा होगा कि आप आखिरी वक्त पे जाकर आप काम नहीं बना, आखिरी वक्त पे आके आप हार गए। तो जो आखिरी वक्त का हारना होता है ना, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहां तक तो अपना सब कुछ मेंटेन कर ले आते हो, लेकिन 80% पे एक ऐसा चैलेंज है जिसको अगर ठीक से नहीं समझा गया तो असफलता बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पे। इसलिए मैक्सिमम लोग जो है पहुंच के नीचे गिर जाते हैं। जो यहां पर छोटा सा आपको चैलेंज दिख रहा है, ये इंडिकेट करता है कि यहां पर हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, इसको ओवरकम करने के लिए, इसको पार करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होगा। वो नॉर्मल यहां से यहां तक जो एफर्ट है उससे नहीं बनेगा। यहां से यहां तक आप एक्स की स्पीड चल रहे हो, लेकिन यहां से यहां पर आपको एक्स प्लस चाहिए होगा। यानी कि अगर आप साल भर का आपने कोर्स पीसेस के लिए तैयार की थी आपने, तो जो आपने 0 से लेकर अगस्त तक की मेहनत की है वो एक रिदम में अब गए, लेकिन अब लास्ट के जब 20% का समय आ गया है, यानी कि अब लास्ट के 2 महीने रह गए हैं, तो चैलेंजेस ज्यादा आएंगे। अब ये हिडन चैलेंजेस होते हैं, अनसीन चैलेंजेस हैं, और किसी भी प्रकार के चैलेंज हो सकते हैं। आपके हेल्थ को मसला हो सकता है, आपका साइकोलॉजी को मसला हो सकता है, आपका इमोशंस का मसला हो सकता है, टाइम जॉब करते हो वहां टाइम नहीं मिल पा रहा, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। लेकिन होगा क्या कि वो आपसे वो एक्स्ट्रा एफर्ट की डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई वही आगे जाएगा जो कि डिजर्विंग है, जो ये एक्स्ट्रा कर पाएगा। अब करना ये है कि आपको अपने आप को दोबारा से रिचार्ज करना है और अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करना है, एक्स्ट्रा पुश करना है, जिससे कि आप यहां से उस चीज से निकल सको आप। नहीं तो होगा क्या कि आप जाओगे ऐसे और रिबाउंड करके वापस आ जाओगे। इसीलिए लोग शुरू तो बहुत अच्छा करते हैं बट खत्म नहीं कर पाते हैं, शुरू अच्छा करेंगे खत्म नहीं कर पाते हैं। तो जो खत्म ना करने का है कि वो यहां पे आके उनको लगता है कि यार ये तो पार हो ही नहीं पा रहा है। तो पार इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो एनर्जी के साथ आप आ रहे थे उस एनर्जी से काम चलेगा नहीं, अब हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है हमें। तो यहां पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस होने की जरूरत है, थोड़ा ज्यादा से अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है, थोड़ा यहां पर ज्यादा जो है वो सिंसियर होने की जरूरत है, और जो थॉट्स बढ़ा के आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। और जब आप ये कर ले जाओगे तो चीजें बाद में फिर से स्मूथ हो जाएंगी। अब देख रहे हो बाद में फिर से स्मूथ हो गई है। तो पुश कीजिए अपने आप को, हल्का सा पुश कीजिए, ठीक है, चीजों को और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अब जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप यहां पर समझ में आ गया, आपको अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो, और जो लोग यहां तक वीडियो देख पाए हैं उनके लिए बोल रहा हूं कि अगर आप यहां तक समझ पाए हो और इस बात से एग्री कर रहे हो कि नहीं ठीक है हमें लास्ट में कुछ दिक्कतें होती हैं, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या हो सकता है? अब आखिरी के 2 महीने रह गए, 2 महीने के आपको 40 दिन रह गए, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो? दो चीजें कर सकते हो आप, अभी भी सफलता कोई बहुत समस्या नहीं है। पहला तो है आपका घटना चक्र, घटना चक्र की बुक्स आप पढ़ो, ढंग से रटो घटना चक्र, घटना चक्र किताब, जितनी भी किताब है 6-7 किताब है, घटना चक्र किताबें आप ढंग से रट लो, ठीक है, अच्छे से रख लो। बहुत सारे क्वेश्चन घटना चक्र से आते हैं, आप पढ़ लो, अगर आप ज्यादा आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है पढ़ लो आप, ठीक है। लेकिन घटना चक्र से आपका काम बनेगा नहीं, क्योंकि पूरा नहीं बन पाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, 70 क्वेश्चन के आसपास आएगा, लेकिन आपका कट ऑफ जो है वो 85 पे जा रहा है, लेकिन फिर भी घटना चक्र 70 क्वेश्चन तो आ ही रहे ना, उसे तो कवर करना ही है। तो आप सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक, मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक बनाया था मैंने, ठीक है, उस पर फोकस कीजिए। ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है? लगभग 200 प्लस टॉपिक्स ऐसे हैं जो सबसे हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको फोकस करो, मैंने उसमें वीडियोस बनाया दिखाया था मैंने, लगभग 70 से 80 क्वेश्चन जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक से आ जाते हैं, यानी जो ट्रेंड कर रहे हैं, ये 2-3 साल में जो आयोग के यहाँ ट्रेंड कर रहे हैं उन टॉपिक्स को फोकस करना। इसमें रिपीट सवाल तो आएंगे, जो नए क्वेश्चन है वो भी आने की संभावना है। तो टॉपिक अगर ट्रेंडिंग में है तो उसका रिपीट भी पढ़िए, यानी घटना चक्र भी पढ़िए और नई चीजें पढ़िए, तब तो आपको 70-80 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर मान लो 70 क्वेश्चन इसके 70 क्वेश्चन इसके मिल रहे हैं, तो आपको अगर ओवर मतलब कुछ तो ओवरलैप भी हो जाएगा, तो आप देखिएगा
कि आपको एक्स्ट्रा 20-25 सवाल मिल जाएंगे और आपका प्री जो है वो स्मूथली से निकल जाएगा। तो यहाँ पर बताने की जरूरत क्या है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ रही है, पड़ेगी जो तो करनी है आपको, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा फोकस, एक्स्ट्रा मोटिवेशन, ठीक है। और एक्स्ट्रा में क्या करना है कि आपको घटनाचक्र और ट्रेंडिंग टॉपिक दोनों को लेकर चलना है, जिससे कि आप 40 दिन को कवर कर पाओ, रिविजन ठीक से कर पाओ और अच्छे से पेपर देके एग्जाम क्रैक कर सको। अब अगर ये दोनों चीजें आप कर पा रहे हो खुद, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अन्यथा घटना चक्र और ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए, दोनों के लिए वैसे एक कंबाइंड में भी एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने बोला हुआ है, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर ट्रेंडिंग टॉपिक्स प्लस घटना चक्र की जो टेस्ट सीरीज है वो दोनों मैं आपको दे रहा हूं आपको, ठीक है। 1499 इसकी फीस है, ठीक है। और इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, कॉल नंबर नीचे मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और घटना चक्र की टेस्ट, अगर आप घटना चक्र की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, घटना चक्र टेस्ट सीरीज, ये भी टेस्ट सीरीज है आपकी, इसकी फीस मात्र 499 है, 499 है, सॉरी 499 है, ठीक है। तो आप वो भी ले सकते हो, तो जो चल गया। वैसे तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा यहां पर ध्यान दो, क्योंकि तो आपको जो ट्रेंडिंग टॉपिक है एक्स्ट्रा है वो आपको मिल जाएगा, आपको वो नोट्स के रूप में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया चीजें हैं, बहुत कंपाइल नोट्स में, बढ़िया नोट्स है। और अभी भी 40 दिन कम नहीं है, सीरियसली कह रहा हूँ, थोड़ा सा पुश करना अपने आपको और चीजें आपकी उम्मीद से बेहतर होकर आएंगी, ठीक है। तो अगर आप इस प्रोसेस को एग्री करते हो तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और आप जो है बात कीजिए, बात कीजिए। यकीन मानिएगा कि जो आप उम्मीद छोड़ चुके हो वो उम्मीद दोबारा बनेगी, 40 दिन को ठीक से यूटिलाइज करेंगे और आप देखेंगे कि एग्जाम आपकी उम्मीद से बेहतर होगा, ये मेरा प्रॉमिस आपको है। अगर आप कुछ भी करते हो, ठीक से पढ़ाई करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो, जो एग्जाम होगा वो आपकी उम्मीद से बेहतर होगा और एग्जाम क्रैक हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, परफेक्ट समय कभी नहीं आता, परफेक्ट प्रिपरेशन कभी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाती है कि हाँ भाई किसी व्यक्ति को पूरा सब कुछ आ गया और वो बंदा पीसीएस बन गया, ऐसा नहीं होता है। बस ये है कि एग्जाम हुआ और आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, बस उस समय जब क्रैक किया भी, जब पीसीएस बन भी गए तो भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपको नहीं आती थी, ठीक से याद नहीं थी आपको। लेकिन ऐसे ही आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो ये जो चीजें हैं वो एग्जाम क्रैक करने के लिए है, परफेक्ट बनाने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इसको करने के बाद आप पूरा सब पूरा आपको पूरा नॉलेज देगी, नॉलेज के लिए पूरा पढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ पर एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा है कि हम क्या करें जिससे कम समय में हम चीजों को बेहतर कर पाए और रिजल्ट दे पाए। इसके लिए आप, मैंने बता दिया दो फीस, कैम ज्यादा फीस नहीं है, 1499 मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए है और टेस्ट सीरीज के लिए 1499 है जो है टेस्ट सीरीज के लिए। और आप 9919521555 कॉल करके इस चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।